आज हम चैप्टर टू की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, जिसमें प्रीवियस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट आपको क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ माइनस टू, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर टू एफ ऑफ ज़ीरो, नंबर थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और नंबर फोर है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। हमें ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है, जबकि फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। टू फाइंड पहला पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ माइनस टू, हमें एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी फंक्शन की वैल्यू किसी खास पॉइंट के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, एफ ऑफ माइनस टू। तो आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई माइनस टू इन वन, गिवन दिए फंक्शन में जो आपका गिवन फंक्शन है उसमें आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देना, माइनस टू। तो आपका एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एफ माइनस टू स्क्वायर माइनस टू, ये एक्स था वहाँ हमने माइनस टू रिप्लेस किया, यहाँ एक्स था तो आपने माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस इंटू माइनस प्लस टू सिक्स। तो एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या आ गई इस फंक्शन के तहत, एफ ऑफ माइनस टू के आंसर क्या आया, सिक्स आ चुका। तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो, इस फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू हमने कहा किस पॉइंट पे फाइंड करनी, ज़ीरो पे। तो आप रिप्लेस करेंगे एक्स या पे ज़ीरो इन वन, दिए हुए फंक्शन के अंदर आप ये वैल्यू रिप्लेस करें, तो जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप ज़ीरो रिप्लेस कर दें, ज़ीरो ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो, तो इट मीन ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो इस पॉइंट को पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती, ज़ीरो ही आ जाती। नेक्स्ट आइएगा पार्ट थर्ड पे चलते हैं। टू फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस, जिनकी एक्स माइनस वन इस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी, किसके तहत, जो गिवन फंक्शन है वो आपका है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब जिधर जिधर आपके पास एक्स लिखा हुआ है वेरिएबल, उसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इन दिस फंक्शन, इन वन कह लो, चलो एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। आपने देखा आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रिप्लेस करेंगे, x माइनस वन, यहाँ भी आप x माइनस वन रखेंगे, यहाँ भी x माइनस वन रखेंगे, यहाँ भी x माइनस वन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस वन। तो अब आप इसे क्या कहें, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगी तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। नेक्स्ट आए पार्ट फोर, इसमें आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर की वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। तो इसी तरह ही आप फिर रिप्लेस करें, कंसिडर द फंक्शन, गिवन फंक्शन आपके पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका सोल्यूशन चल रहा है। आप रिप्लेस करें एक्स की जगह पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो यहाँ पे यहाँ रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस फोर,
गिवन फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इट मीन्स स्क्वायर ओपन करते हैं एक्स फोर प्लस सिक्सटीन प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस फोर बन जाएगा बेटा। तो ये एक्स फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व, ये आपका आंसर आ गया। लिहाजा एफ ऑफ इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर के ऊपर फंक्शन के आंसर क्या है, एक्स फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व। नेक्स्ट कीजिए। तो कब क्वेश्चन नंबर वन का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट सेकंड के ऊपर। ये ए पार्ट था, बी पार्ट देखिएगा प्लीज। पार्ट बी में दिया हुआ है आपको, फंक्शन चेंज कर दिया गया इसमें आके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन दैट, बी पार्ट में देखिएगा, एफ ऑफ एक्स एज एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट, ये गिवन फंक्शन है। इस फंक्शन के तहत आप यही दोबारा वैल्यू एफ ऑफ माइनस टू की निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो की निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स वन की और एक्स स्क्वायर प्लस फोर की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन आपका चेंज कर दिया गया, तो रिप्लेस करें, पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ माइनस टू को फाइंड करना चाहेंगे हम, रिप्लेस करें या पुट कर दें एक्स की जगह पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या रखना है, माइनस टू रिप्लेस की वैल्यू इन वन, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, आंसर आ गया हमारे पास माइनस वन का स्क्वायर रूट। तो आप एफ ऑफ माइनस टू के तहत इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ माइनस वन का, सॉरी जी आपका फंक्शन था फोर वैल्यू यहाँ पे फोर, तो ये फोर लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू स्क्वायर रूट आ जाएगा। फंक्शन है एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर। नेक्स्ट टाइम ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब हमने इस पर टू रिप्लेस किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ टू आ जाएगी। अगेन पार्ट वन पार्ट सेकेंड, एफ ऑफ ज़ीरो पे इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं हम, रिप्लेस करें एक्स बाई ज़ीरो इन वन, यहाँ आपने ज़ीरो रिप्लेस करना है ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर, आंसर इज इक्वल टू टू। एफ ऑफ ज़ीरो पे फंक्शन के आंसर क्या आ गया, टू वैल्यू इसकी आ चुकी। नेक्स्ट चलते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन वैल्यू रिप्लेस करते हैं, पुट एक्स बाई एक्स माइनस वन इन वन, इन वन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन प्लस फोर, तो ये आ गया एक्स प्लस थ्री स्क्वायर रूट, एक्स प्लस थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री। तो आपका आंसर एफ ऑफ एक्स माइनस का आ गया एक्स प्लस थ्री स्क्वायर रूट। लास्ट पार्ट इसका, अब आपके पास है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर का वैल्यू क्या होगी, आप रिप्लेस कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की जहाँ पे आपने क्या रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर फोर, कहाँ गिवन फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट इन वन के अंदर रखेंगे। इस वैल्यू को लेके आप यहाँ पर रिप्लेस करें, जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ भी लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर, तो आंसर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एट। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट होते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। जी हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल सिक्स एक्स माइनस वाई माइनस नाइन। तो पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर निकालेंगे एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। नाउ पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच इन वन, जहां जहां एक्स है वहां आपने ए प्लस एच रिप्लेस करना है। ए प्लस एच सिक्स इंटू ए प्लस एच माइनस नाइन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन। वैल्यू ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन। आपने जहां एक्स था वहां क्या रिप्लेस किया, ए प्लस एच गिवन फंक्शन में। अगेन रिप्लेस पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन वन। अब एक्स की जगह आप रिप्लेस क्या करेंगे, ए और ए इस फंक्शन के अंदर, तो आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स ए माइनस नाइन। एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स ए माइनस नाइन। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास है सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन माइनस सिक्स ए माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एच। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन माइनस सिक्स ए प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एच। नाइन नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, सिक्स ए नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एक के साथ कैंसिल हो गए। आपके पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो रिमेनिंग रह गया है सिक्स एच ओवर एच कैंसिल कर दें, तो आपके सिक्स ए कैंसिल होने के बाद एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की आंसर क्या आ गया, सिक्स आ चुका। ये स्टूडेंट्स गिवन फंक्शन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन, आपने वैल्यू फाइंड करनी थी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो हमने फर्स्ट क्या किया, जहां एक्स था वहां रिप्लेस किया एफ ऑफ ए प्लस एच सिक्स ए प्लस एच माइनस नाइन, तो आपकी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आंसर आ गया सिक्स ए प्लस एच सिक्स एच माइनस नाइन। फिर आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, इन दोनों वैल्यूज को जो वन और टू की आपने इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस की और सिंप्लीफाई किया, तो आपका आंसर क्या आ गया, सिक्स आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें आपको फंक्शन चेंज कर दिया जाता है। आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बल्कि अब रिलीज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। नाउ गिवन फंक्शन को नेम्ड एज वन, रिप्लेस करें। अब एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच, पुट एक्स बाय ए प्लस एच इन वन। एफ ऑफ ए प्लस एच साइन ऑफ ए प्लस एच, अगेन पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन वन। अब एक्स यहां पे आपने ये वैल्यू रखी ए और ए, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए साइन ऑफ ए नेम्ड एज वन नेम्ड एज टू। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच
एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन ऑफ ए ओवर एच। हम इससे फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला दे चुके साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू टू कॉज ऑफ पी प्लस क्यू बाय टू साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाय टू। ये फर्स्ट ईयर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू टू कॉज पी प्लस क्यू बाय टू साइन पी माइनस क्यू बाय टू। ये फॉर्मूला ये आप समझ रहे साइन पी है ये माइनस साइन क्यू है ओवर एच है। हम वो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला लिखिएगा टू कॉस पहले दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं ए प्लस एच प्लस ए बाई टू माइनस इनटू साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू होल डिवाइडेड बाय एच ए प्लस एच बाय प्लस ए पहले दोनों एंगल को हमने ऐड किया बाद में दोनों को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टू ओवर एच कॉज ऑफ टू ए प्लस एच ओवर टू साइन एच बाय टू तो कैंसिल कर लें टू ओवर एच कॉज ऑफ ए प्लस एच बाय टू साइन एच बाय टू। इस फंक्शन की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ गई टू और एच कॉज ऑफ ए प्लस एच बाय टू साइन ऑफ एच बाय टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू आंसर विल बी इक्वल टू टू और एच कॉज ऑफ ए प्लस एच बाय टू साइन ऑफ एच बाय टू। तो डियर स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट्स आपको असाइनमेंट के लिए घर में दे दिए गए आपका इसका होमवर्क कीजिएगा। उम्मीद है कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच विश यू गुड लक।